आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे और मैं आपके साथ हूँ हिमानी कंधारी। इस समय हम छन्नी के एक पॉश इलाके में खड़े हैं, सेक्टर वन में, जहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो वायर्स हैं वो किस डिस्टेंस पे आ रही हैं और जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनके हालात किस तरह के हैं। गवर्नमेंट जम्मू स्मार्ट सिटी पे काम कर रहे हैं, पर जब इस एरिया में देखा जाता है तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से जो स्मार्ट मीटर है उनकी हालात क्या हैं और वो किस डिस्टेंस पे लगाए गए हैं। अगर कोई छोटा बच्चा यहाँ से निकल रहा हो या कोई आम आदमी भी निकल रहा हो या बाई चांस यहाँ पे कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है पोल के साथ, तो ये कितना डेंजरस और कितना ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ पे एक साइन लगाया गया है ज़रूर डेंजर का और वहाँ पे लिखा भी गया है ख़तरा, जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा होगा कि 11,000 वोल्ट तक की करंट इस एक पोल में है और आप देख सकते हैं कि कितने कितने डिस्टेंस पे वायर्स हैं। और अगर मैं आपको आम भाषा में बताऊं तो गुंजल जिसे कहते हैं वो पड़ा हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरह की वायर्स जम्मू के अलग अलग कोने में आपको आम दिखाई देंगी, यही एक कारण है जिसमें थोड़ी सी भी अगर हवा चलती है, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो जल्दी से जो बिजली विभाग है वो हमारी बत्ती गुल कर देता है। वो क्यों करता है, वो यही रीजंस हैं। जब एक वायर दूसरी वायर से टच होती है और इसमें से एक स्पार्क निकलता है और उसके बाद जो आग लगने का डर होता है आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं केबल की भी वायर्स इस तरह से टैंगल करके रखी गई हैं, जो मोबाइल की वायर्स होती हैं वो भी इसी तरह से हैं। और आप देख सकते हैं मेरे ऊपर यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो भी यहीं पर लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं जो सेंसिटिविटी है इस बात की कि ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई बच्चा यहाँ से गुजरता है वो हाथ लगा दे या कोई आम आदमी निकल रहा है रात के समय, नहीं उसे पता चले और यहाँ पे टच हो जाए, गिर जाए, तो उसके साथ क्या हो सकता है उसकी सेंसिटिविटी आप लोग जान सकते हैं। इसी तरह की और भी जगहें हैं जम्मू में, ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है। अगर आप जम्मू में किसी भी कोने पे जाएंगी आपको ये चीज़ें आम तौर पर देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं इस समय हम लोग बहु प्लाज़ा से आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप ये पोल देख सकते हैं, इकट्ठे दो पोल हैं जो कि इस समय इतनी बुरी हालत में हैं और इन पर इतना बोझ डाला हुआ है वायर्स का। और ये देखिए कि किस तरह से टूट चुके हैं, बिल्कुल जो बोलते हैं ना टूटना, वो टूट चुके हैं ये पोल। और कभी भी अगर हल्की सी भी आंधी ज़्यादा आई, तूफान आया या कुछ भी, अगर अर्थक्वेक आता है हल्का सा भी, तो ये गिरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और आप देख सकते हैं कि ये एक कॉर्पोरेट एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं और यहाँ पे सारे जो यंगस्टर्स हैं यहाँ पे घूमने आते हैं। एक ईटिंग हब है बहु प्लाज़ा और आप देख सकते हैं उसकी एंट्री पे किस तरह के विजुअल्स हैं, जहाँ पर जो पोल है वो किस तरह से टूट चुका है। तो आज हमने आपको बताया कि जम्मू के अलग अलग हिस्सों में जो स्ट्रीट में इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, वायर्स हैं, हाई टेंशन वायर्स हैं या स्मार्ट मीटर्स हैं, उनकी क्या स्थिति है। जब हम बात करते हैं पुराने कुछ इंसिडेंट्स की जो बहुत अनफॉर्चुनेट रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट की वजह से कई लोगों की जान गई है, कई लाइनमैन ने अपनी जान गंवाई है, तब जो बिजली विभाग होता है वो चुप्पी साध लेता है, तब वो कुछ नहीं बोलता। वो क्यों, जब अगर इस तरह के हालात रहेंगे जहाँ पे जो वायर्स हैं वो ओपन रहेंगी या एक के साथ एक रहेंगी या जो मीटर्स हैं वो इतने कम डिस्टेंस पे लगाए जाएंगे, और उसके बाद जब वायर्स देखी जाती हैं वो इतनी सारी होती हैं, उसमें से आधी ना वर्किंग होती हैं या फिर जो वर्किंग होती हैं उनमें भी डिफ्रेंशिएट कर पाना कि कौन सी वायर में प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक लाइनमैन कर सकता है, पर जब उसकी जान पर बात आ जाती है तब बिजली विभाग चुप्पी साध लेता है। इसी तरह की और रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट काकाराम के साथ मैं हिमानी कंधारी।